नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द 5 AM क्लब बुक समरी की, जिसे मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा ने लिखा है। दोस्तों, रॉबिन शर्मा एक बेस्ट सेलिंग लेखक, स्पीकर और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं। उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनका पूरा पोटेंशियल हासिल करने में मदद की है। उनकी बुक द 5 AM क्लब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल गाइड है। लेखक मानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से सफलता प्राप्त करने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेखक ने इस बुक में मॉर्निंग के यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, टिप्स और मेथड्स अलग अलग चैप्टर में विस्तार से बताए हैं। यह किताब बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठकर आप खुद को पूरे दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। यह किताब हमें उन आदतों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप सिर्फ 1 साल में ही खुद को 3 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस बुक समरी को पढ़कर आप सीखेंगे कि कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या संबंध है, कामयाबी के 4 स्तंभ क्या हैं और रात को जल्दी सोना क्यों जरूरी है। यह बुक उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो एक अच्छी और प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं। इस बुक में लेखक ने ऐसी टेक्निक्स बताई है जिसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठकर आप अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस समय 95% लोग सो रहे होते हैं, आखिर उस समय जागने से आपको क्या हासिल होगा। रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब की समरी के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुबह जल्दी उठकर आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं और कितनी आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठना दौलतमंद और सफल लोगों की एक बहुत ही कॉमन हैबिट है, जिसके बारे में रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक 5 AM क्लब में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर आप भी द 5 AM क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। अध्याय 1, परिचय, इंट्रोडक्शन। द 5 AM क्लब बुक में लेखक रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अमीर और सक्सेसफुल लोगों के पास कोई सीक्रेट होता है, लेकिन सक्सेस पाने का कोई भी सीक्रेट नहीं होता। लेकिन हाँ, सभी सक्सेसफुल लोगों की कुछ आदतें एक जैसी होती, जिसमें से एक है सुबह 5 बजे तक उठ जाना। लेखक का मानना है कि हमें अपने सबसे मुश्किल काम को सुबह 5 बजे के समय करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे शरीर से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारा पूरा ध्यान एक काम पर लग जाता है। द 5 AM क्लब जल्दी उठने और दिन के पहले घंटे का इस्तेमाल पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करने के बारे में है। लेखक के अनुसार सही मानसिकता, आदतों और दिनचर्या ही किसी व्यक्ति को सफल बना सकती है। जल्दी उठकर और बुक में दिए गए सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकता है। बुक को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्तिगत विकास के एक अलग पहलू पर फोकस करता है। पहला पार्ट 5 AM क्लब के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि जल्दी उठना क्यों जरूरी है। दूसरा पार्ट 20-20 फॉर्मूला प्रस्तुत करता है, जो एनर्जी और फोकस को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक है। तीसरा पार्ट 4 आंतरिक साम्राज्यों के बारे में बात करता है, जो माइंडसेट, हार्टसेट, हेल्थसेट और सोलसेट है। और चौथा पार्ट एलीट परफॉर्मेंस के जुड़वा चक्र के बारे में बात करता है, जो पर्सनल मास्टरी और एक्सपोनेंशियल रिजल्ट से मिलकर बने हैं। द 5 AM क्लब की प्रेरणादायक कहानी एक प्रसिद्ध गुरु और सफल टाइकून के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने की चाह रखने वाले 2 व्यक्तियों के बारे में है। एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था, जहां पर एक मशहूर बिजनेस गुरु और मानव क्षमताओं पर अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध स्पेल बाइंडर स्पीच दे रहे थे। दर्शकों में एक था उदास उद्यमी, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही काफी परेशान था, और दूसरा है एक निराश कलाकार, जो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए परेशान है। इन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया तो एकदम पीछे से एक गरीब आदमी आया, जो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे, पर एक अजीब बात ये थी कि उसने अपने हाथ में बहुत ही कीमती घड़ी पहन रखी थी। उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमयी आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए और उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया। उस रहस्यमयी व्यक्ति से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि वो गरीब नहीं बल्कि एक करोड़पति है। वो पुराने कपड़े इसलिए पहनता है ताकि खुद को याद दिला सके कि वो कहां से आया है और पैसा ही सब कुछ नहीं है। गरीब दिखने वाले उस अरबपति ने स्पेल बाइंडर का धन्यवाद करते हुए उन लोगों को बताया कि उन्हीं से उसने अपनी कामयाबी पाना सीखा। दुनिया में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ही हो, जबकि दुनिया के अल्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ही करना चाहते हैं।
ये सुन के उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमयी अरबपति आदमी के बारे में और ज्यादा जानने की चाह रखने लगे, जो खुद एक गुरु की तरह बात कर रहा था। और उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके पर्सनल मेंटर स्पेलबाइंडर ने एक बात सिखाई थी जो किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कामयाब लोगों का एक वर्ल्ड क्लास तरीका उसे मालूम है। अरबपति उन्हें वो तरीका फ्री में सिखाने को तैयार था, बशर्ते अगले दिन उनसे सुबह 5 बजे मिले। अगली सुबह उद्यमी और कलाकार दोनों थोड़े संशयपूर्ण और भ्रमित थे, लेकिन वे तब सहज महसूस करने लगे जब एक चालक समेत महंगी गाड़ी ने उन्हें पिक किया और उन्हें पर्सनल जेट में पहुंचाया, जिस पर 5AC नाम का लोगो लगा हुआ था। जब उद्यमी ने चालक से पूछा कि उस लोगो का क्या मतलब है, तो उसने बताया कि उस लोगो का मतलब है 5 AM क्लब, और वहीं से उसकी एक क्रांतिकारी मॉर्निंग रूटीन का सफर शुरू हो गया था, जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते थे। सुबह 5 बजे का एकांत और क्रिएटिव मेंटल स्टेट आपको एलीट परफॉर्मर की तरह परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा। उस अरबपति ने उन्हें बताया कि 5 बजे उठने की वजह से वो अपना पर्सनल लाइफ बदल सका और बहुत ऊंचाई पर पहुंच पाया। वो एक अरबपति बन गया, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। सुबह 5 बजे उठने से जो आइसोलेशन होता है, उसका कई गुना असर हम सब पे पड़ता है। उसने कहा कि हम सब के दिमाग की एनर्जी यानी कॉग्निटिव बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, और हम लोग पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों पर हम अपनी अटेंशन देते हैं। उसी वजह से दिन के आखिरी तक ब्रेन की एनर्जी और फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। जब तक लंच टाइम आता है, तब तक हम किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करने की हालात में नहीं होते, क्योंकि हमारे दिमाग की बैंडविड्थ लगभग खत्म हो जाती है। बार बार हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है एक चीज से दूसरी चीज पर, और हम लोग किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए अपने ब्रेन की शक्ति और अपने समय का सही उपयोग करना जरूरी है। अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं, तो आपके पास पूरी तरह से फोकस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सुबह 5 बजे आप अपनी सोच में स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। उस अरबपति ने कहा कि ये इसीलिए होता है कि जब आप 5 बजे उठ जाएं और बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें, तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके रेशनल थॉट यानी तार्किक विचार को कंट्रोल करता है, वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि आप में से काफी लोगों को ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, आप चीजों के बारे में सोचते होंगे, लेकिन जब आप 5 बजे उठते हैं तो ये चीजें बहुत कम हो जाती हैं। आप अपने आप से एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, आपका दिमाग पूरे तरीके से काम कर रहा होता है, वो भी पूरे एनर्जी के साथ। आप फोकस्ड होते हैं और आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आप ओवरथिंकिंग नहीं करते हैं। अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप और ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहेंगे। लेखक कहते हैं, बेहतर प्रदर्शन हासिल करने और एक शानदार जीवन जीने के मूल में 5 AM क्लब है। इस दैनिक आदत में सुबह 5 बजे उठना, दिन के लिए एक सकारात्मक टोन सेट करना और विभिन्न सकारात्मक आदतों को अपनाना शामिल है, जो रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा देती है। इस बुक में जल्दी उठने के 5 ground rules बताए गए हैं। तो अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत आती है, तो पूरे दिन डिस्ट्रक्टिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठें। अपना समय खुद के साथ बिताएं, खुद को जानें, समझें, जिससे मन में क्रिएटिव विचार आएंगे। उन विचारों को अपनाएं, ये सोचें कि अपने सारे टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। कामयाब बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक सही अवसर भी। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक भ्रम और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में बहाने बनाने की बजाय अपने कार्य को पूरा करें। हर कार्य के लिए बहाने बनाना असफलता की निशानी है। सफलता चाहते हैं तो बहाने ना बनाकर अपने काम में कंसंट्रेट करें, उसे पूरा करें। एक रोमन सम्राट ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल है जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। बहाने बनाने की आदत में सुधार लाएं। कोई भी काम शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन आदत पड़ने पर आसान दिखने लगता है। सुबह उठने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि अगर दूसरे वो काम नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर सकते। उन लोगों से अलग ही सही, पर सही आदतों को अपनाएं। कभी कभी लगता है कि यह काम नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए, मन में निराशा होती है, उस समय खुद को दृढ़ बनाएं और अपने काम में डटे रहें। सफल लोग मुश्किल समय में भी डगमगाते नहीं हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं।
और सफलता प्राप्त करते हैं। असफलता के डर से भागे नहीं, दृढ़ निश्चय कर अपना काम पूरा करें। हमको उन लोगों के आसपास या समूह में रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दे और हमको खुद के बेटर वर्जन बनने के लिए प्रेरित करे। उन लोगों से दूर रहें जिनके वैल्यूज हमसे अलग हैं और स्टैंडर्ड्स हमसे नीचे। जिंदगी में निगेटिव और बुरे लोगों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ सकारात्मकता, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को ही जगह दे। लेखक आगे कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी जिंदगी में फोकस, ऊर्जा, उत्साह और उत्कृष्टता लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमको जिंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी बुक द 5 AM क्लब की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।